नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब सोयाबीन की फसल में फूल आना शुरू होते हैं तो उस समय पर हमें यूरिया खाद का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। बहुत सारे किसान भाई अपनी सोयाबीन की फसल में जब फूल आते हैं तो इस प्रकार की पीलापन की समस्या से परेशान हो जाते हैं, और इस प्रकार की पीलापन की समस्या को दूर करने के लिए किसान भाई सोयाबीन की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग फूल आते समय कर लेते हैं। तो क्या फूल आते समय यूरिया खाद का उपयोग करने से कोई फायदा होता है या कोई नुकसान होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बहुत ही शानदार जानकारी देने वाले हैं। और ये जो आप प्लॉट देख पा रहे हैं, ये हमारा सोयाबीन का प्लॉट है। इसमें JS 2034 सोयाबीन इस समय पर लगाई हुई है। जैसा कि JS 2034 में सफ़ेद फूल आते हैं तो इसमें सफ़ेद फ्लोरिंग अभी चालू हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अब किसान भाइयों, बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। तो इस समय पर यह जो आप सोयाबीन की फसल देख पा रहे हैं, यह 40 दिन के आसपास हो चुकी है, 40 से ऊपर हो चुकी है। तो इसमें लगभग 30 से 40% फ्लोरिंग इस समय पर आ रही है, जैसा कि आपको हम दिखाते हैं। तो इस स्टेज में अगर कोई किसान भाई यूरिया खाद का उपयोग करते हैं तो यह जो फूलों का विकास इस समय पर हो रहा है, यह विकास होना रुक जाता है। यूरिया आपकी फसल की ग्रोथ तो बढ़ाएगा, लेकिन यह जो फूल है इनके विकास को रोक देगा और ये फूल झड़ने की कगार पर आ जाएंगे, और इस प्रकार से जो नए नए फूल आ रहे हैं उन फूलों का विकास भी बंद हो जाएगा और सोयाबीन की ग्रोथ इतनी है और इससे बढ़कर दो गुना हो जाएगी। तो एक तरफ से देखा जाए तो यूरिया सोयाबीन की ग्रोथ बढ़ाएगा, और अगर आप फूल आते समय यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बारे में हमने कई वीडियो में जानकारी भी दी है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि फूल आते समय यूरिया का उपयोग करें या फिर ना करें। तो मेरे हिसाब से आप इस समय पर यूरिया खाद का उपयोग ना करें तो काफ़ी बेटर होगा। अब इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका आप उपयोग इस समय पर फ्लोरिंग स्टेज में कर सकते हैं, जैसे कि 0-52-34। अब 0-52-34 के अंदर 52% फॉस्फोरस और 34% पोटास पाया जाता है, जो आपकी फसल में जड़ों का विकास करेगा, क्योंकि फास्फोरस इसके अंदर मौजूद है तो जड़ों का विकास करेगा, तने को मजबूत करेगा और जो फूल है उन फूलों के डंठल को मजबूत करेगा, जिससे फूल झड़ने की समस्या नहीं आएगी। इसी के साथ साथ 34% पोटाश जो है, जब इन फूलों से फलियां बनेगी तो उन फलियों को एक बड़ा आकार लेने और गुच्छों में लाने के लिए मदद करेगा। आपने देखा होगा कई बार सोयाबीन में गुच्छों में फलियाँ आती है, और कहीं कहीं पर कमज़ोर सोयाबीन में एक दो फलियां आपको देखने को मिलेगी। तो 0-52-34 का स्प्रे आप इस समय पर कर सकते हैं। 0-52-34 के कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस समय पर आप सोयाबीन में यूरिया खाद का उपयोग ना करें तो ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये जो फूल आ रहे हैं अभी 30 से 40%, तो ये 50 से 60% हो जाएँ तो उस समय पर आप सोयाबीन में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट ग्रोथ नहीं बढ़ाएगा, बल्कि पौधे को अंदरूनी ताकत देगा, पौधे को मजबूत बनाएगा और फलियों को भी मजबूत बनाएगा। तो आप इस समय पर यूरिया का उपयोग ना करें, 0-52-34 का स्प्रे कर सकते हैं और कुछ दिन बाद आप उसमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।